हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज यूजिंग स्फीयर गैप मेथड। इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज यूजिंग वोल्ट मीटर्स। अगर स्फीयर गैप मेथड की बात करते हैं तो इस स्फीयर गैप मेजरमेंट मेथड का एक और इम्पोर्टेंस है। ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये मेजर करता है पीक वैल्यू, एंड समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड दैट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हैज़ टू बी नोन फॉर द सम स्पेसिफिक पर्पस। हमने वोल्ट मीटर मेजरमेंट में भी आपको एक मेथड बताया था जो पीक वोल्टेज मेजर करता था। सिमिलरली स्फीयर गैप मेजरमेंट भी पीक वोल्टेज मेजर करता है। सो स्फीयर गैप कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ पीक वैल्यू। अब इस मेथड में जो एक मेन पॉइंट है वो पॉइंट है कि इफ़ द गैप डिस्टेंस इज नोन, दैट इज अ स्टैंडर्ड चार्ट विच इज़ हैविंग द गैप डिस्टेंस एंड द साइज ऑफ स्फीयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिसाइड द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इफ अ डिस्चार्ज इज अकरिंग इन अ गैप डिस्टेंस एंड द साइज ऑफ स्फीयर। So, स्फीयर गैप मेजरमेंट इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड मेथड विच इज़ यूज टू डिटरमाइन और विच इज़ यूज टू मेजर द पीक और पीक वैल्यू ऑफ हाई वोल्टेज डीसी। इट कैन ऑल्सो अप्लाई टू हाई वोल्टेज एसी और इम्पल्स वोल्टेज भी। मीन्स हम इसमें हाई वोल्टेज डीसी, एसी एंड इम्पल्स वोल्टेज सभी का इस मेजरमेंट कर सकते हैं विद दिस मेथड। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द चेकिंग वोल्ट मीटर्स और सम अदर हाई वोल्टेज सर्किट्स। हम टेस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, हम अदर वोल्ट मीटर्स को चेक करने के पर्पज़ से एंड और वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस जो भी यूज़ होते हैं हाई वोल्टेज टेस्टिंग सर्किट्स में, उन सब की टेस्टिंग पर्पज़ से भी स्फीयर गैप मेजरमेंट यूज होता है। इसलिए इसको एक स्टैंडर्ड मेथड मान के चलते हैं। देन दो टाइप के स्फीयर गैप अरेंजमेंट्स हैं, वन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड अनदर वन इज़ वर्टिकल। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो स्टैंडर्ड साइज डायमीटर्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट वाज ऑलरेडी अर्लियर मेंशन दैट द डायमीटर साइज ऑफ द स्फीयर इज स्टैंडर्ड एंड द डायमीटर स्टैंडर्ड डायमीटर साइज इज 2, 5, 6.25, 10, 12.5 एंड अप टू 200 सेंटीमीटर। फॉर दिस स्टैंडर्ड साइज डायमीटर देर इज अ स्टैंडर्ड डिस्चार्ज वोल्टेज फॉर ए फिक्स्ड डिस्टेंस। तो अगर किसी स्टैंडर्ड साइज डायमीटर के लिए किसी एक डिस्टेंस पर डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम टेबल से एक वोल्टेज चेक कर लेंगे कि दैट विल बी द वोल्टेज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज जनरली प्रिफर्ड व्हेन स्फीयर डायमीटर इज लेस देन 50 सेंटीमीटर and it is suitable for the low voltage only. And in whether it is horizontal or the vertical, one is sphere is static and other is movable. और जो इम्पल्स वोल्टेज इससे मेजर कर सकते हैं उसके लिए द फ्रंट टाइम इज फ्रंट टाइम शुड बी एटलीस्ट 1 माइक्रो सेकेंड एंड वेव टेल टाइम शुड बी एटलीस्ट 5 माइक्रो सेकेंड। ये लिमिटेशंस हैं कि वेव फ्रंट टाइम शुड बी 1 माइक्रो सेकेंड एंड वेव टेल टाइम शुड बी 5 माइक्रो सेकेंड्स, देन वी कैन मेजर द इम्पल्स वोल्टेज यूजिंग दिस स्टैंडर्ड स्क्वेयर गैप मेथड। ये हॉरिजॉन्टल मेथड का स्कीमेटिक अरेंजमेंट है। ये वन इंसुलेटिंग सपोर्ट है, टू दिस इज हाई वोल्टेज कनेक्शन। हाई वोल्टेज कनेक्शन इज डन एट 0.2 विद दिस resistance, and the function of resistance is to limit the breakdown current and to suppress the unwanted oscillation. These unwanted oscillations may occur in the impulse voltage measurement. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो horizontal support दे रहे हैं its diameter should be less than 0.5 d. d is the diameter of the sphere gap, s is the separation between two spheres, and A is the height of spheres or height of sparking point from ground. और जो ये B है,
यहाँ से पॉइंट बी टू दिस पॉइंट, दिस इज द रेडियस ऑफ स्पेस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मीन्स इस रेडियस में कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं आनी चाहिए ड्यूरिंग द मेजरमेंट. सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एंड और डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर हम इसमें देखें तो ये हॉरिजॉन्टल वन हॉरिजॉन्टल सब ये सपोर्ट्स दिए हैं वन, देन इन सपोर्ट्स पर दो ये सपोर्ट्स हैं, यहाँ पर एक स्फीयर पी है, एक स्फीयर पी एंड अनदर स्फीयर दिस वन, देर इज अ सेपरेशन बिटवीन टू स्फीयर, दिस इज एस, बी इज द रेडियस. तो ये इस रेडियस में कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग द मोमेंट. हाई वोल्टेज कनेक्शन इज डन थ्रू दिस रेजिस्टेंस, दिस फोर्थ पॉइंट इज दिस. तो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का एक कंस्ट्रक्शन है. सिमिलरली वर्टिकल अरेंजमेंट में, वर्टिकल अरेंजमेंट में एक फिक्स्ड स्फीयर है, अनदर इज वन इज मूवेबल. ये टू पॉइंट्स है, यहाँ से इस पॉइंट से इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होता है हाई वोल्टेज विद दिस स्फीयर, एस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, डी इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर एंड द फंक्शन ऑफ दैट इंसुलेटिंग रेजिस्टर इज टू लिमिट द ब्रेक डाउन करेंट एंड टू सप्रेस द अनवॉन्टेड ऑसिलेशन. देन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वर्टिकल अरेंजमेंट, वन इज इंसुलेटर सपोर्ट, टू इज द स्फीयर, दिस थ्री इज द ऑपरेटिंग गियर, दिस इज द मोटर फॉर द मूवमेंट पर्पज ऑफ स्फीयर, फोर इज द हाई वोल्टेज कनेक्शन, डी इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर, दिस कैपिटल डी, एस इज द स्पेसिंग बिटवीन टू स्फीयर्स एंड बी इज द रेडियस इन विच नो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट शुड बी देयर. देन दिस इज द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर गेप, अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल मेजरमेंट सर्किट इज शोन इन दिस फिगर. नाउ इट्स वर्किंग व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द गैप, जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो दैट हाई वोल्टेज विल रिजल्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अक्रॉस टू स्फीयर्स एंड इन दैट गैप बिटवीन टू स्फीयर्स, व्हेन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज अबव द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द गैप, एट द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है दैट इज द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द गैस विच इज फील्ड बिटवीन टू स्फीयर्स, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक गैसियस ब्रेकडाउन के वजह से एक स्पार्क प्रोड्यूस होगी. देन दीज स्फीयर्स आर हैविंग द इक्वल डायमीटर, दे मे बी मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स आर लेस देन द डायमीटर ऑफ स्फीयर्स, दिस पॉइंट वी नीड टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन. दिस स्फीयर गैप अरेंजमेंट कैन बी वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इन वर्टिकली विथ लोअर स्फीयर ग्राउंडेड और हॉरिजॉन्टली व्हेन बोथ स्फीयर्स कनेक्टेड टू द सोर्स वोल्टेज और वन स्फीयर मे बी ग्राउंडेड. एंड द पॉइंट विच वी नीड टू केयर ड्यूरिंग द डिजाइन, दैट स्फीयर शुड बी केयरफुली डिजाइंड और फैब्रिकेटेड सो दैट देयर सरफेस विल रिमेन स्मूथ एंड द कर्वेचर विल रिमेन यूनिफॉर्म. So during the breakdown, the spacing S is it will there will be a produced spark over voltage in that gap. Series function of series resistance this is already mentioned in previous, that its function is to limit the breakdown current and to suppress the unwanted signal. These unwanted oscillations may be in case of impulse voltage. The value of series resistance may vary from 100 to 1000 kilo ohm. This may be for the AC to AC or AC voltage, and not more than 500 ohm in case of impulse voltage. Then factors affecting the sphere gap measurements are the nearby earth objects. These objects may change in the breakdown strength of the that gap, then the atmospheric condition and humidity, this may also affect the
breakdown strength of the gap, then irradiation, polarity and rise time of voltage waveform. Then breakdown voltage for positive and negative polarity impulses will be different. And then another point is influence of dust particles. So present of dust particles also cause erratic breakdown. Thanks for watching the video. In the next video, I will discuss about the another method of measurement of high voltage DC.